नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर एंड मैं आपको मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलर्जेसिक पी दवाई के बारे में। दोस्तों इस दवाई के बारे में शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। दोस्तों ये एलर्जेसिक पी, दोस्तों ये एक अल्केम कंपनी का एक ब्रांडिंग नेमिंग होता है। उसमें दोनों कंपोजिशन रहता है, एसिक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल। एसिक्लोफेनेक यहाँ पे 100 mg में मौजूद होता है एंड पैरासिटामोल 325 mg में मौजूद होता है। ये एलर्जेसिक पी एक NSAID यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप के अंडर बिलोंग करता है। उसके बाद आते हैं कि एसिक्लोफेनेक यहाँ पे मौजूद होता है तो उसका काम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। अगर आपको एसिक्लोफेनेक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप संपूर्ण देख सकते हैं। एसिक्लोफेनेक एक पेन रिड्यूसर होता है। एसिक्लोफेनेक एक पेन रिड्यूसर होता है जो इनहिबिट करता है हमारा बॉडी में केमिकल मैसेंजर को। केमिकल मैसेंजर लाइक क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। ऐसे केमिकल मैसेंजर को वो रिड्यूस करता है जो केमिकल मैसेंजर रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा बॉडी में पेन या स्वेलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वही केमिकल मैसेंजर को वो इनहिबिट करता है। उसके बाद देखते हैं कि पैरासिटामोल, उसका काम क्या होता है। पैरासिटामोल के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आई बटन में क्लिक करके या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। पैरासिटामोल क्या होता है, ये एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक दोनों होता है जो फेवर रिड्यूस करता है, आपका बुखार को रिड्यूस करता है, समझ गए। ये जो दोनों केमिकल कंपोजिशन को मिला के बना हुआ होता है एलर्जेसिक पी, उसकी यूजेस की बात करें तो इसको प्राइमरीली यूज किया जाता है रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। इसको प्राइमरीली कहा, हमारा जो दर्द होता है उसको रिड्यूस करने या इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प रिलीविंग पेन लाइक हेडेक, मिल माइग्रेन, मसल पेन, डेंटल पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड पेनफुल मेंसेस, ए पेनफुल पीरियड्स। यानी कि ये हमारा बॉडी में जो भी दर्द होता है, मसल पेन हो सकता है आपको, डेंटल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मिल माइग्रेन हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि अनवांटेड अटैक ऑफ हेल्दी सेल एंड पेनफुल पीरियड्स, इन सारे केसेस में इस दवाई को आप यूज कर सकते हैं। बात यह होता है कोई भी दवाई यूज करने से पहले आपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। उसके डोजेस की बात करें तो उसको हम कब लेना है, कैसे लेना है उसकी बात करें तो इसको हम एक अडल्ट इंसान दिन में 2 बार ले सकता है आफ्टर मील में। मील के बाद एक अडल्ट इंसान दिन में 2 बार ले सकता है। टेक इट होल विथ लिक्विड लाइक वाटर, डोंट टेक विथ अल्कोहल। इसको लिक्विड के साथ लेना है, आप वाटर को प्रेफरेबल कर सकते हैं। टेक इट ओराली, इसको आप ओराली इंटेक करना चाहिए। दोस्तों हर एक चीज़ का, हर एक दवाई का जैसे साइड इफेक्ट होता है, इस दवाई के साइड इफेक्ट की बात करें तो हर एक इंसान को जो साइड इफेक्ट होता है दिखाई नहीं देता है, बट अगर दिखाई देता है तो क्या क्या दिखाई दे सकता है। डाइजीनेस हो सकता है आपको, नाइजिया हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्स्टापेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपको, इंक्रीज लीवर एंजाइम इन ब्लड, आपकी ब्लड में जो लीवर की एंजाइम होता है वो इंक्रीज हो सकता है। बट बात यह होता है कि ये कुछ देर के बाद डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर हो जाता है तो सही बात होता है, अगर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट नजर आता है और डिसअपियर नहीं होता है तो आपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। उसके बाद सावधानी बरतना, यानी कि इस दवाई में हम कौन सा प्रिकॉशन को अपनाना चाहिए। कोई भी दवाई ले रहे हो आप तो दवाई लेने से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस दवाई को कैसे, मतलब कौन लेना है कौन नहीं लेना है इस दवाई को, वही जानना बहुत जरूरी होता है। टेक मोर देन डेली प्रेस्क्राइब डोज मे कॉज लिवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शन लाइक स्वेलिंग ऑफ माउथ, फेस थ्रोट, स्किन रैश एक्सेट्रा। यानी कि आपको डेली डोज अगर आपको दिन में 2 बार इंटेक करने के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है और आप इसको दिन में 5 बार 4 बार ऐसे डोजेस से एक्सेस यूज कर रहे हो तो आपका लिवर डैमेज का भी चांसेस होता है। एंड एलर्जी रिएक्शन जैसे कि स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग ऑफ माउथ, फेस एंड थ्रोट, ये देखने के लिए भी मिल सकता है। एलर्जेसिक पी शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर एज इट मे अफेक्ट बेबी। एलर्जेसिक पी जो होता है उसे कोई प्रेगनेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर यूज ना करे, क्योंकि आपकी इन्फेंट जो होता है, बेबी जो होता है, उस तक भी असर जा सकता है। दोस्तों ये रहा आज की वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। और आप अगर मेरे चैनल को पहली बार आए हो और इतने दूर आ ही गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन के दबाना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा दवाई के बारे में जानकारी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे। जय महाकाल।